हेलो बच्चों, तो अपने अगले टॉपर से मिलते हैं। बहुत ही होनहार मेरे छात्र, बहुत ही प्यारे बच्चे सौरभ श्रीवास्तव। तो अब इनसे मुलाकात करते हैं। सौरभ ने 682 मार्क्स 720 में किया। पिछले साल ये टारगेट बैच में आए थे, एक साल इन्होंने किया। थोड़ा सा ये निराश हो गए थे कि इनका नंबर नहीं आया था, लेकिन इस साल इन्होंने सफलता अर्जित की और 682 मार्क्स किया। तो आइए अब सौरभ से बातचीत करते हैं। तो सौरभ आए, ठीक है? चलिए भाई लाइए सौरभ को। पहले क्या है, आ जाए आ जाए आ जाए, पास ही आ जाए, कोई बात नहीं। ये सौरभ, हाँ चलिए भैया, ये हाँ बहुत ही जबरदस्त, ठीक चलिए भैया, बहुत ही गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आगे खूब बढ़ो, बहुत तरक्की करो। हाँ थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो सौरभ पिछले साल टारगेट बैच में छात्र थे, बड़े अच्छे होनहार थे। होता है कभी कभी, ईश्वर कहा जाता है कि भैया जब लिखा रहता तभी होता है। तो पिछले साल इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, परेशान हुए, लेकिन फिर इन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। कहा जाता कि सब कुछ चला जाए लेकिन धैर्य ना जाए, कुछ ना जाए, सब चला जाए, धन चला जाए, बल चला जाए, लेकिन एक चीज ना जाए, धैर्य। जिसने धैर्य को रखा, पेशेंस को रखा, वह इतिहास जरूर रचेगा। तो बहुत ही कूल माइंड के ये भी स्टूडेंट थे, बहुत ही रेगुलर थे, बहुत ही डिसिप्लिन थे। जैसे अभी हम लोग मोहित से बात की, वैसे ये भी थे, हर टेस्ट को दिया इन्होंने। और आज आपके सामने ये 682 मार्क्स क्या है पाए भी। तो बेटा आपकी भी तो आर्मी पृष्ठभूमि है, जैसे अभी मोहित से बात हुई थी। हाँ इनके भी देखिए सेना में क्या है, पिताजी हैं, तो बच्चा क्या है, डॉक्टर बन के नाम रोशन कर रहा है। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, किसान के बच्चे, सेना में जो अधिकारी हैं, सेना में जो सिपाही ग्रेड के हैं, कुछ भी हैं, उनके बच्चे। क्योंकि बेटा शिक्षा का अधिकार सबको है, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनने के लिए केवल माता पिता डॉक्टर ही होने चाहिए। ठीक है, होते हैं तो अच्छा है, थोड़ा गाइडेंस अच्छा मिल जाता है। हर बच्चा डॉक्टर बन सकता है, एक गरीब का भी बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ठीक है, अमीर का भी बन सकता है। तो इसलिए बच्चों जो भी लोग सुन रहे हो, अगर तुम पढ़ोगे तो जरूर डॉक्टर बनोगे। तो सौरभ ये बताओ, ये जो डॉक्टर बनने का सपना तुम्हारे मन में आया, पहले कहाँ से आया? मतलब 6 से आया, 10 से आया, 12 से आया, कि यहाँ आके आया, कहाँ से आया? सर मैं 10th क्लास में था तब मैं आर्मी में जाना चाहता था। अच्छा, आर्मी में लेकिन हाँ, मेरे पापा चाहते थे कि मैं हाँ, डॉक्टर बनूं, डॉक्टर मेडिकल फील्ड में जाऊँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया उसके बाद कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ। बायो ले लिया होगा आपने? अच्छा, बहुत अच्छा। तो 12th के बाद हम लोग के पास आप आए थे टारगेट G2 बैच में, मुझे याद है। Yes, sir. हाँ, पहले दिन का आपका चेहरा हमको याद आ रहा है, आपने एक दो क्वेश्चन का जवाब दिया था। तो उसके बाद साल भर आपने मेहनत किया। Yes. तो क्या कमी रह गई कि पिछले साल सिलेक्शन नहीं हो पाया था? पिछले साल सर मैं लास्ट के मंथ्स में डर गया था। अच्छा, डर गया जैसे कंसिस्टेंसी टूट गई मेरी। हाँ हाँ, डर आ गया। हाँ, तो देखो ये कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, ध्यान दो। वही आखिरी के महीने मेरे गड़बड़ हो गए, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक गया। अच्छा, सिलेक्शन रुक गया। इस साल क्या आपके साथ अच्छा रहा कि आपने क्या है अच्छा कर लिया, या कुछ कमी भी रही कि जैसे हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सौरभ से 700 प्लस, लेकिन क्या कमी रह गई कि 682 पे आ गए? मतलब सिलेक्शन तो डॉक्टर तो बन गया, लेकिन थोड़ा हमारे मन में भी मलाल तो नहीं है, लेकिन खुश हैं हम, लेकिन आपके मन में भी थोड़ा हो सकता हो। तो क्या कमी रह गई कि आने वाले कोई भी आपका साथी वह ना करे, क्योंकि आप 500 प्लस से 682 तक जंप किए हैं, ठीक है? तो आने वाले आपके कई साथी होंगे, मतलब आपको देख के लगता है कि हमको लेते, देखा कहावत कही जाती है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो हमको लगता है आपको देख के हजारों लोग आपको फॉलो करेंगे कि हम भी सौरभ की तरह डॉक्टर बने, हम भी मोहित की तरह डॉक्टर बने, हम भी अनुष्का की तरह डॉक्टर बने, हम भी वैभव की तरह डॉक्टर बने, हम भी वैभव राज, वैभव जयसवाल, हाँ दोनों दो वैभव हैं, दोनों की तरह डॉक्टर बने। तो ये आपके दिमाग ईशा की तरह डॉक्टर बने, ठीक है? तो क्या चीजें रह गई इस साल? सर इस साल थोड़े दिक्कत हो गए, मेरे नंबर्स ऑफ आवर्स कम थे पढ़ने के। अच्छा, मैं कंसिस्टेंट तो था, लगभग स्टार्टिंग से मैंने 4-5-6 घंटे पढ़ाई करता था। हाँ, हाँ, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं एंड के टाइम में और टाइम बढ़ाना चाहिए था। अच्छा, और नंबर ऑफ रिविजन बढ़ाने चाहिए थे। अच्छा, अच्छा, जिसकी वजह से मार्क्स थोड़े कम। चलिए कोई बात नहीं है, ईश्वर जो देता है वो अच्छे के लिए देता है। क्या देता है? अच्छा, खुश रहिए, सिलेक्शन हो गया। हो सकता है कि आपको यहाँ ईश्वर आपका कुछ कम किया है, तो हो सकता है कि आपको पीजी में कहीं अच्छा कर दे। पीजी में नहीं करेगा तो हो सकता है आपकी शादी बड़ी अच्छी कर दे, आपकी पत्नी बड़ी अच्छी मिल जाए, वो भी डॉक्टर मिल जाए, और दोनों में बड़ा अच्छा सामंजस्य चले। वो भी नहीं अच्छा करेगा तो हो सकता है आपका बच्चा बहुत अच्छा कर दे, जो आपसे भी आगे जाए। तो इसीलिए ईश्वर जो देता है उसको क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है? तो चलिए, इतना जो दिया ईश्वर ने दिया, मेरे मालिक जो दिया बहुत अच्छा दिया। अब आगे की बातचीत करने के लिए मैं डॉक्टर सीपी त्रिपाठी को बुलाऊंगा, इनसे पूछें कि इन्होंने क्या किया, कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मैनेज किया, ताकि बच्चे इनसे सीख लें और हजारों फॉलोअर इनके बढ़ें।
ठीक है, आइए सर। नीट यूजी 2024 के सफल अभ्यर्थियों के क्रम में हमारे सामने सौरभ श्रीवास्तव हैं। बेटा बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। बेटा ये बताइए, नीट यूजी 2024 के सफल अभ्यर्थी के रूप में आप हमारे सामने हैं, कुछ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे? सर, मेरे पापा एक रिटायर्ड एयरफोर्स सर्विसमैन है और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है जो मुझे हमेशा पीछे से बैकअप देते रहते हैं मेरे पढ़ाई को लेकर, ताकि मैं आगे बढ़ूं और बढ़िया करूं। अच्छा बेटा, ये बताएंगे कि गुरुकुल पाठशाला के क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में कुछ आप विस्तार पूर्वक बताएंगे आने वाले बच्चों को? सर, गुरुकुल पाठशाला क्लासरूम प्रोग्राम, सबसे बढ़िया बात ये थी कि हमें सब कुछ बेसिक से पढ़ाया जाता था स्टार्टिंग से। अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी आप बेसिक से उठ के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे पहली बार मैं आया था तो मेरे को उतना नहीं आता था, लेकिन मैं स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहा और मार्क्स पाया इतना अच्छा। बहुत से बच्चे टेस्ट के बारे में बताए हैं, तो टेस्ट के बारे पे कुछ प्रकाश डालेंगे आप? सबसे बढ़िया इस साल का टेस्ट ही था, मतलब लगातार स्टार्टिंग से टेस्ट चलते थे, लगभग 250 प्लस टेस्ट दिए हमने, जिसके वजह से स्पीड बढ़ी, कंसिस्टेंसी बढ़ी और जितने भी नंबर क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन देखे हुए लगते थे एग्जाम में कि टेस्ट में से ही सारे लगभग आ गए। अच्छा, नीट के रिजल्ट में और गुरुकुल के टेस्ट सीरीज के मार्क्स में क्या अंतर रहा? वैसा ही मार्क्स आए मेरे जैसे मेरे गुरुकुल के टेस्ट सीरीज में आते थे। मतलब गुरुकुल के टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स आए वही आपके नीट में भी मार्क्स आए? उसी हिसाब से मार्क्स आए। यस सर, गुरुकुल में मेरे अगर आते थे तो एवरेज उनका अगर मिला दिया जाए तो एक तरह से उसका एवरेज ही मेरा नीट का मार्क्स था। जैसे आपके आपने धैर्य रखा, अब ये लगा नहीं आपको कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमसे नहीं हो सकता, मैं नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो इस मुश्किल घड़ी में आपका साथ किसने दिया? सारे टीचरों ने मेरा साथ दिया, कोई भी टीचर हो, SKR सर, AS सर, सूरी सर। जब मैं स्टार्टिंग से पढ़ता था तो मेरे को कुछ नहीं समझ आता था, फिर बाद में उन्होंने बेसिक से पढ़ाया जिससे मेरे को सारा ज्ञान हुआ। अच्छा, कुछ क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में प्रकाश डालेंगे? क्लासरूम प्रोग्राम में हमारी क्लासेस चलती थी, सुबह सारी क्लासेस चलती थी, सब कुछ पढ़ाया जाता था, NCERT को लाइन बाय लाइन कवर कराया गया और सारे नोट्स बनाए, सारे नोट्स में ही सही सवाल आए थे और कुछ बाहर से नहीं था। PYQs लगवाए गए, सारे सवाल लगवाए गए, हर एक चैप्टर के बाद सवाल लगवाए जाते थे, जिसके वजह से सब कुछ आसान लगा। नीट 2024 UG को सफल करने में सौरभ श्रीवास्तव ने अग्रणी भूमिका निभाई हुई है। आप सेना की पृष्ठभूमि से होते हुए भी मेडिकल लाइन को चुने, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर।